लाख लाख मकान और इनमें रहने वाले करोड़ों इंसान। इन करोड़ों इंसानों के सुख दुख, हंसने रोने के मौन दर्शक हैं यही मकान। ठीक मुसाफिरों की तरह यहां लोग आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। यहीं जन्म होता है, विवाह होता है और होती है मृत्यु। मुसाफिर तीन किरायेदारों के इसी जीवन चक्र की कहानी है, जो एक के बाद एक इस मकान में रहने आते हैं। ये रहा मेरा मकान। सारी दुनिया में ऐसा मकान नहीं मिलेगा अजय बाबू। हाँ, इस मकान में सारी दुनिया मिल जाएगी। यहाँ बीसियों आए, सैकड़ों गए। वाह, बाहरी से देखकर पसंद आ गया? मैं जानता था। मकान नहीं, मैं वो देख रहा था। वो क्या? ये टूलेट का बोर्ड। आजकल मांगे औलाद मिल जाती है, भाग्य दौलत, मगर टूलेट का बोर्ड नहीं दिखाई देता। ठीक, 16 आने ठीक कहा आपने। शहर से बाहर है ना, इसलिए। किरायेदार के मामले में मैं जरा सीढ़ी वाकया हुआ। किरायेदार मुझे पसंद कर ले तो कर ले, मैं उसे आसानी से पसंद नहीं करता। अजी हाँ, किसी के माथे पे थोड़े लिखा है वो कैसा आदमी है। जेल से भाग कर आया है या कत्ल करके लड़की भगा कर लाया है या मैं आपकी बात नहीं करता। आपसे भले आदमी तो ब्लैक मार्केट में भी नहीं मिलते। हाँ, खैर किराया कितना है इस मकान का? किराया जी, पहले मकान तो देख लीजिए, किराया बाद में बतला दूंगा। आइए। कुछ लोग कहते हैं कि इसका 80 रुपए किराया ज्यादा है। भला आप ही सोचिए, 80 रुपए में झांकने को बाहर, खड़े रहने को बालकनी, रहने को 3 कमरे, पकाने को रसोई, नहाने को बाथरूम। यह मकान नहीं, कलजुगी काम धेनु गाय है, जो खाए भी कम और दूध भी दे ज्यादा, ऊपर से गोबर मुफ्त। ये सोने पर सुहागा, 24 घंटे गाना होता है, जब जी चाहे तब सुन लो। और जब जी ने चाहे तो? तो क्या मुश्किल है, थोड़ी सी रुई कानों में डाल दीजिए, बस आइए मकान देखिए। ये है पहला कमरा, बाकी के दो भी इतने ही बड़े हैं, मगर कारीगर ने यूं बनाए हैं कि इससे भी बड़े मालूम होते हैं। हवा भी, रोशनी भी, किसी बात की तकलीफ नहीं। मुझे पसंद है। मकान पसंद आया? अजी अभी तो आपने रसोई नहीं देखी। कोई जरूरत नहीं। ये लीजिए 15 दिन का पेश की किराया, बाकी अगले शुक्रवार तक मिल जाएगा। इतनी जल्दी क्या दी, रह लेते दे देते। मैं आदमी का भूखा नहीं हुआ जय बाबू, मेरा मतलब है रुपयों का भूखा नहीं हूँ। अच्छा देखिए जी, मुझे 2 चारपाइयों की जरूरत है। ठीक है, मिल जाएंगी मिल जाएंगी, आपके आने से पहले सफाई भी करवा दूंगा। अच्छा तो मुझे इजाजत। समझा, वाइफ को लेने जा रहे हैं। नो लाइफ विदाउट वाइफ, इसीलिए रसोई नहीं देखी। ठीक ही है, आप क्या जाने रसोई किस चिड़िया का नाम है। ये लीजिए। शुक्रिया। चलिए। बाप रे, ये क्या है? कुछ नहीं, झगड़ा है। झगड़ा? कैसा झगड़ा? विष्णु और काली मैया का पुराना झगड़ा। क्या मतलब? देखिए, इस तरफ है विष्णु भोजनालय, हाँ, और उस तरफ महाकाली हिंदू होटल। इन दोनों में कंपटीशन चलता है तो एक से एक बढ़कर गीत बजाता है, और इनके लोहे में अपनी चांदी। इधर खड़े हो जाइए तो दुधाधारी संगीत, और उधर जाइए तो मांसाहारी, और बीच में खिचड़ी रात। अच्छा तो मुझे इजाजत। भगवान का नाम लेकर प्रवेश कीजिए, मैं अगले शुक्रवार को जरूर आऊंगा। अब तो आ गए शकुन।
अब तक किस बात का? अरे क्या हुआ? जल्दी में बल्ब लाना भूल गया। घर में सामने की पांच नहीं क्या? मत जाओ। मगर बत्ती के बिना सहरा तंत्र कुछ भी हो, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे हाँ, मैंने यहाँ एक मोमबत्ती का टुकड़ा पड़ा देखा, अगर किसी ने मिल गई। तो तुम्हारे उस बूढ़े खूंसट से निमट रहे होंगे जैसे तुम्हारी शादी होने वाली थी। नहीं नहीं चाचा, इस वक्त शहर का कोना कोना छान रहे होंगे मुझे ढूंढने के लिए। निसरा भी पनक पर गई तो? आज तो नहीं, कल पड़ भी गई तो क्या है, कल सुबह हम पंडित को बुलवाएंगे और ऐसे बंधन में बन जाएंगे जिसे तुम्हारे चाचा तो क्या भगवान भी नहीं तोड़ सकते। अच्छा शकुंतला, तुम दिन भर की भागदौड़ से थक गई, इस सूटकेस में सब कुछ, कपड़े बदल लो और सो जाओ। और तुम? मैं भी सो जाऊंगा। कहाँ? इसी कमरे में। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारी शादी नहीं हुई इसीलिए ना, तो घबराती क्यों? तुम उस कमरे में सो जाओ, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। शकुंतला, मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसा नहीं होता तो इस तरह चली आती तुम्हारे साथ? तुम मुझे यहाँ ले आई? क्यों बदनामी की गठरी सर पे उठा ली? अगर तुम्हारे माँ बाप क्षमा ना करे तो? अगर तुम मेरे लिए इतना कुछ कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए? मेरा क्या, मेरे पास खोने के लिए धरा ही क्या था? अगर तुम, तुम्हारे माँ बाप समाज संसार, मुझे तुम मिल गई शकुंतला, मुझे सब कुछ मिल गया। शादी के बाद पिताजी और माँ को आशीर्वाद और क्षमा के लिए चिट्ठी लिखती। तो पहले क्यों नहीं लिखते थे? मेरे पिताजी बड़े गुस्से वाले आदमी, सुनेंगे तो आग बबूला हो जाए। माँ को चिट्ठी लिखूंगा, किसी भी तरह पिताजी को समझा देंगे। तुम नहीं जानती शकुंतला, हर माँ के दिल के कोने में एक बहू होती है और मेरे माँ के मन की बहू तुम। अच्छा, उनकी कोई तस्वीर नहीं तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों? उनको कभी देखा नहीं, उनको देखने को जी चाहता। बचपन ही में मेरे माँ बाप चले गए ना, सोचा था शादी हो जाएगी, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन देर हो गई। चलो सोचा। बाबूजी, ले आया था? जी बाबूजी। अच्छी बनाई है ना? अच्छी। अजी बाबूजी, एक टिकट में दो मजे। अच्छा मत, ऊपर की हल्की नीचे की कड़क। अगर ये हल्की और कड़क बनाने को किसने कहा था? कहा था किसी ने बाबूजी, मैंने बनाई है। ऊपर की आप पियेंगे और नीचे की अरे सुनो, ये रात को वायलिन कौन बजा रहा था? ओ है एक पगला बाबू। पगला बाबू? वैसे तो उसका नाम राजा बाबू है, मगर हम लोग उसे प्यार से पगला बाबू पुकारते। कभी कभी आ जाता है घूमता गांता, और जब मौज आ गई तो रात को वायलिन छोड़ देता है। पूरा तनकी है मन मौजी।
शकुंतला, शकुंतला जल्दी उठो, सुबह हो। अच्छा किया तुमने जगा दिया, मैं बहुत बुरा सपना देख रही थी। अच्छा अच्छा जल्दी से हाथ मत धो, चाय ठंडी हो रही है। अभी तक चाचा का भूत सर से नहीं उतरा। तुम नहीं जानते, वो जरूर आएंगे, उन्हें जरूर पता चल जाएगा, वो जरूर मुझे तुमसे छीन लेंगे। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता शकुंतला, तुम्हारी तो खामखा जान निकली जा रही है। मैं जा रहा हूं ताकि तुम हमेशा के लिए निकल जाओ। तुम कहां जा रहे हो? पुरोहित को बुला, घबराओ नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊं। कौन? मेरा नाम मुन्नी की माँ है बहन, मैं इसी महल में रहती हूँ, सामने की चाली में। आइए आइए, अंदर आइए। आऊं कैसे, इसको भी तो खोलो ना। छी 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 छी, इस महल में एक भी तो तू का आदमी नहीं जिसे कोई दो बातें ही कर सके। जब रात तुम लोगों का आते देखा तो मैं खुशी के नाच उठी। तुम तो कह रही थी माँ, ये कौन आ गए मलेश फिर हमें परेशान करने। चुप रे कमीनी, मैं किसी और की बात कर रही थी और ये जन्मजनी। मैंने ऊपर से देखकर मुन्नी से कहा चौधरी के घर में कितने अच्छे किराएदार आए। माँ तुमने तो कहा था, कहाँ से आ मरे ये भूखे नंगे, फसला बाटी में साथ नहीं है। तू चुप रहेगी या बके जाएगी? इसकी बात पर ना जाओ बहन, मैं पहले किराएदार के बारे में कह रही थी। मैयारी क्या की चूड़ी महल भर में उनके आने से, औरत मर्द को भगा कर लाई थी। औरत मर्द को? हाँ, हम तो सीधे साधे लोग, शादी भी हुई, माँ बाप ने जहाँ पर बैठा दिया बैठ गए धन से, अभी तक बैठे हैं। तुम्हारे वो कहाँ है? वो बाहर गए हैं जरा। क्या नाम है उनका? अजय शर्मा। और तुम्हारा नाम? शकुंतला वर्मा। शर्मा और वर्मा, समझे? क्या समझे आप? मुन्ने तू जा उस कमरे में घूम के जा, मैं इसके सामने कहना नहीं चाहती थी। रात तुम लोगों को देखते ही मुझे शक पड़ गया था। शक? हाँ, तुम लोग की प्यार की शादी है ना? हाँ। तब मेरा आंखों में धूल डालना कोई आसान बात नहीं। माँ कोई एतबार नहीं, किसी का भी कोई एतबार नहीं। क्या एतबार नहीं रे? तुमने कहा था ना माँ, यहाँ आएंगे कितने भी बुरे हो एक प्याली चाय तो जरूर मिलेगी, रसोई में चूल्हा भी नहीं है। माँ मुझे माफ करना दीदी, अभी तो ये लड़की, इसकी बात को बुरा ना मानना बहन,
घर का सब काम काज भरा है, समय मिलने पर कल आऊंगी। अच्छा चल मुन्नी। माँ तेरी तो मुंजली है क्यों हो गई। चल नानी महेन्द्रस्य स्वाहा चैव विभावसो रोहिणी च यथा सोमे दमयन्ती यथा नले यथा वैवस्वते भद्रावसिष्ठे चाप्यरुन्धति यथा नारायणे लक्ष्मी तथा त्वं मम भर्तरी। पसंद आया? सच? अच्छा लगता? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। इतने में पसंद आ गया? पसंद तो पहले से ही था, लेकिन अब तो गजब ही कर दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो पहले से ही दीवाना था इन बड़ी बड़ी आंखों का, और उस पर ये काजल। मैं अपनी बात कर रही थी। और नहीं तो किसकी बात कर रही? मैं पूछ रही थी घर की सजावट पसंद आई। घर? जब तुम मेरे सामने होती हो शकुंतला, तो मुझे घर पर कुछ दिखाई नहीं देता। तुम तो जादू जगाना जानती हो, जरा साड़ी का रंग बदल दिया कि सारी दुनिया का रंग बदल गया मेरी आंखों। बस बस बंद करो ये कविता। देखो ना डाक पर से कितना अच्छा पर्चा मिला है, शायद ही पहले के किराएदार छोड़ गए। कितना खूबसूरत बच्चा है। तीन दिन हुए हमारी शादी, और इन तीन ही दिनों में तुम्हें बच्चा पति से ज्यादा प्यार मालूम है। हर बात में तुम्हें तो बस मस्करी सोचती है। चलो ऊपर साफा करो इसे। ठहरो ठहरो शकुंतला, क्या फायदा? पिताजी को खत लिखा है, वो जल्दी ही आकर हमें दे जाएंगे। तुम अभी तक माता पिताजी के आने की आस लगाए बैठो। उन्हें आना होता तो एक चिट्ठी का जवाब नहीं लिखते, पर उनका भी क्या दोष, मैं ही अभागन हूँ। नहीं तो बचपन ही में मेरे माँ बाप क्यों चलते थे भगवान के पास? शादी पर उम्मीद की एक किरण फूटी थी, सो भी मायूस न हो। जहाँ तुमने इतना इंतजार किया है, हाँ एक दिन और इंतजार कर। सुनो तुम मुझे ही ले चलो उनके पास, मैं उनके पांव पकड़ के क्षमा मांगूंगी, कहूंगी आपकी इतनी दासदासियां हैं, मुझे भी थोड़ी जगह दे दीजिए। नहीं शकुंतला, अगर उन्होंने तुम्हें दुत्कार दिया तो इस सदमा में बर्दाश्त न कर सकूंगा। मेरा ख्याल थोड़ी देर इंतजार कर लो। अभी से बाप के सपने देख रही है? सपने तो मेरे सब पूरे हुए जा रहे थे, सिर्फ एक बीज बो रही हूँ। दत्तू की माँ ने दिया था, कहा था रात भर इसे मुट्ठी में दबाकर कोई काम ना करती रहोगी, वो बीज फूटने पर पूरी हो जाएगी। ये सब बातें, इंसान की इतनी बड़ी जिंदगी है, उसकी इतनी कामनाएं, वो क्या सब पूरी हो सकती है कभी? मेरी तो एक छोटी सी आशा थी, मैं तुम्हारे साथ घर बना पाऊं। वो तो पूरी हो गई। मैं तुम? हाँ, एक घर बनाते बनाते दूसरा बिगाड़ के रख दिया। शकुंतला तुम हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो? देखो ना और एक दिन बीत गया, कोई चिट्ठी भी नहीं आई। तो एक दो दिन और इंतजार कर लो, फिर जो किस्मत में होगा देखा जाएगा।
नहीं। पैगाम लेकर भी कोई नहीं है। आया होता तो बता नहीं देते। शुक्रिया। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ शुक्रिया। अगर दुनिया में हमारा कोई साथ नहीं देता तो न सही। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ। इसी तरह आपस का दुख सुख बांट बिता लेंगे जिंदगी। अच्छा नहीं, अंदर जाने को जी नहीं चाहता। यहाँ थोड़ी देर रहे। अच्छा हल्दी आधा सिर सूखा मिर्चा मन भर कोयला। सुनो सुनो शकुंतला, ये इतना सब कुछ क्या मतलब तुम्हारा? इनके बगैर क्या रसोई बन सकती है? कोई अच्छी सी दुकान से लाना सौदा। मैं सामने की दुकान से कुछ लाई थी, देखो ना सब मिलावट का माल निकला। वो तो ठीक है शकुंतला, मगर मैं सोच रहा था अगर आज का दिन और इंतजार कर लेते। क्या फायदा झूठी आशा से, मेरा दुख क्या कम है? मैंने भी सोचा था किसी को माँ कहकर पुकार सकूंगी, मगर जाओ तुम जल्दी जाके लाओ। अच्छी बात है, और मगर सुनो आज शुक्रवार का दिन है, मकान मालिक किराया लेने आता होगा, तुम उसे बैठाए रखना। क्यों साहब, आप जानते हैं सब्जी भाई भाई टू नंबर का मकान कहाँ है? हाँ जानता हूँ। अजी सुनिए तो सही, सुनिए, आपने कहा कि मैं 75x2 नंबर का मकान जानता हूँ और फिर भी। हाँ मगर आपने ये तो नहीं पूछा कि कहाँ है। मैं फालतू तो बातें नहीं करता, अब तो बता दीजिए। ये रहा सामने। तो ये है वो मकान। माफ कीजिए, तुम मेरा मतलब है आप नीलांबर शर्मा तो नहीं? हाँ मैं नीलांबर शर्मा हूँ, मगर आप मुझे नहीं पहचाना। मैं महादेव चौधरी, प्रेसिडेंसी कॉलेज में साथ पढ़ा करते थे ना। महादेव, जुग बीत गए तुम्हें देखे, अब पहचानता भी तो कैसे? चंदिया क्यों चौपट कर रखी है? अरे क्या बताऊं यार, भगवान ने सारी उम्र में एक ही प्रार्थना सुनी। बचपन में जब हिसाब के मास्टर सिर के बाल पकड़ कर खींचते थे तब मैं कहा करता था, हे भगवान सारे बाल एकदम उड़ा दो, गंजा ही कर दो। भगवान ने इस उम्र में वो प्रार्थना सुनी। तुम अपनी सुनाओ, अब भी वो गाने बजाने का शौक है या? अरे अब तो भजन कीर्तनी में दिन कटते हैं दोस्त। क्या दिन थे भैया, वो तुम्हारा हॉस्टल की छत पर गाना जितना सुंदर लिखते थे उतना ही सुंदर गाते थे। नहीं तो आजकल के गाने सुनकर ही बुखार चढ़ जाता है, जैसे सुर वैसे ही शब्द। आसमां पे चांद हो, भला कोई पूछे आसमां पे चांद नहीं तो क्या ट्रैफिक पुलिस होगी? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो मेरा ही मकान है। अजय बाबू क्या कोई तुम्हारे रिश्तेदार है? हाँ ये मेरी धर्मपत्नी और ये मेरे कॉलेज फ्रेंड महादेव चौधरी। नमस्ते भाभी, चलिए अंदर चलिए, मैं भी तो यहाँ किराया वसूल करने आया हूँ। अजय बाबू बड़े अच्छे आदमी है, तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? रिश्ता था अब नहीं। देखो महादेव जी, अगर तुम थोड़ी देर के बाद आकर किराया ले जाओ तो मेरे लिए अच्छा हो, मेरा कुछ प्राइवेट मामला है। ठीक है ठीक है, तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं फिर आऊंगा। हाँ एक बात है, भाभी को लेकर मेरे यहाँ जरूर आना, कोई खाना पीना। मेरा मकान यहाँ से सीधे बाएं हाथ की तरफ एक डिस्पेंसरी है, उसके दाहिनी तरफ एक गली है, उसके बाएं तरफ एक। आऊंगा जरूर आऊंगा भाभी, जरूर दर्शन देना। नमस्ते। ड्राइवर गाड़ी साये में रखो। सुनो तो
एक बार फिर सोच लो, एक ही तो लड़का है, अगर उससे गलती हुई। देखो, मैं तुम्हें इस शर्त पर लाया हूँ कि तुम बोलोगी नहीं, और अगर तुम समझती हो कि मेरा दिल मोम जैसा है तो इतने दिन मेरे साथ रहकर भी तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं इतनी दूर से गले लगाने नहीं आया हूँ, फारकती देने आया हूँ, फारकती ये कहने आया हूँ कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। गए थे आप किराए लेने आएंगे, बाजार तक गए हैं, अभी आते ही होंगे। आइए आप। ये तुम्हारी मेरी धर्म पत्नी। आइए माँ, अंदर आइए। माँ, तूने मुझे माँ कहकर पुकारा? बचपन में ही माँ को खो बैठी ना, इसलिए इस पुकार से इतनी। देखिए ना मेरा भाग, सब कुछ पाके भी कुछ ना पा सकी। ये बात तूने क्या कही बेटी? हाँ माँ, माँ बाप की आज्ञा के बिना ही उन्होंने मुझे अपने चरणों में जगह दे दी ना, इसलिए सब। अजय,
अजय बाबू कब तक आएंगे? हम सिर्फ उससे मिलने के लिए आए हैं इतनी दूर से। आप हमसे इतनी दूर हैं? मैं नहीं जानती थी। उन्होंने भी तो नहीं बताया। उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया। मुझे बड़ी प्यास लगी है बेटी। मैं पानी लाई माँ, आप अंदर आइए। कैसी लक्ष्मी बहू है, माफ कर दो ना। मैं जो निश्चय करके आया हूँ वही करूँगा। अगर कसूर है तो अपने बेटे का। इस बिचारी पराई बेटे ने हमारा क्या बिगाड़ा है? यही दुनिया में होता है। क्या बात है बेटी? हमारे विवाहित जीवन में आप पहले मेहमान आए हैं। आप मेरी माँ की जगह है, आप पिता समान। मैं मंदभागी, आपको सिर्फ पानी ही पिला रही हूँ। तेरे हाथों का पानी भी अमृत है बेटी। अच्छा माँ, ऐसा कीजिए, आप लोग इधर खाना खाकर जाइए। घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। अच्छी बात है। नहीं नहीं, हम यहाँ खाना खाने नहीं आए। जानती हूँ आप खाना खाने नहीं आए, मैं आपको खिला भी क्या सकती हूँ। यही रूखा सूखा राम का टुकड़ा। टुकड़े की बात नहीं, हमें अभी जाना है। कितनी देर लगेगी? अभी दो मिनट में। कह जो दिया नहीं, कोई जबरदस्ती है? आप थोड़ा मुँह छोटा कर लेंगे तो मेरे पति का कल्याण। नहीं नहीं, हमारे पास तुम्हारे पति के कल्याण के लिए समय नहीं। देखती हूँ बीन खाए भूख लगे आप कैसे चले जाते हैं। क्या तुम मुझे जबरदस्ती रोक लोगी? हाँ। किस अधिकार से? हमारी नई गृहस्थी, मेरे पति के कल्याण का सवाल, और आप कहते हैं किस अधिकार से? मैं खाऊंगी। ये नहीं खाते तू न सही। ये क्या जाने, घर में आए हुए मेहमान का मुंह झूठा न करना कितना अशुभ होता है। स्वामी के लिए, गृहस्थी के लिए। मैं कहता हूँ कि हम नहीं खाएंगे। आपके पति का घर होता, सामने आपकी बहू होती तो आप ऐसा कर सकते? आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं कि मैं किसी और की बेटी हूँ ना। माँ बाप भाई बहन कोई नहीं मेरा इस दुनिया में। अरे ये तो रोना शुरू कर दिया, इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा तुम ही बताओ। आप ही ने तो रुलाया और आप ही। कह दो ना खा लूंगा। अच्छा अच्छा खा लूंगा, अब इसे कहो कि रोए ना। तुम्हें मालूम है कि आंसू मुझसे नहीं देखे जाते हैं। जिद करती हो तो खा कर ही जाऊंगा। रो मत रो मत, रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मत रो बेटी मत रो। हाँ तो तुमने अपने ससुर को कभी नहीं देखा? कहाँ, उनकी कोई तस्वीर भी नहीं मेरे पास। कई बार उनसे कहा मुझे ले चलो उनके पास, पर ये मानते ही नहीं। गधा कहीं का जी? कुछ नहीं, कहता क्या है? कहते हैं तुम्हारा अपमान करेंगे तो मैं सह ना पाऊंगा। बेहया नालायक। क्या कहा? कुछ नहीं। आपने मेरे पति को गाली दी? गाली नहीं नहीं, नहीं तुम्हारे पति को गाली नहीं दी, वो तो तुम्हारे ससुर को गाली दी। नालायक नहीं, हीरे जैसी बहू को। मत कहिए आपने ऐसे। कुछ भी हो फिर भी ससुर है मेरे, वो अपनी जगह सच्चे हैं। उनकी भी तो कुछ आस थी, कुछ कामनाएं थी, और इन्होंने उनको बताया भी नहीं। वो आ गए। इतनी बड़ी देर कर दी, वो लोग कब से आए बैठे? वो लोग कौन? मालिक मकान और उनकी पत्नी। मगर पत्नी का क्या था? खाना खा रही है। ओ, तुमने सदाव्रत भी शुरू कर दिया? हाँ दिया, मैं चलती हूँ। अरे ये तो पकड़ो जरा। नहीं नहीं, तुमने क्या? आया चौधरी साहब आया। अब तो भाई साहब भूल गए राग रंग, भूल गई छकड़ी, तीन चीज याद नहीं, नून तेल लकड़ी। पिताजी पिताजी। गेट आउट गेट आउट यू स्काउंडल, निकल जा मेरी आंखों के सामने से, तू मेरा बेटा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो, घर उसका है, निकलेंगे तो हम, वो क्यों निकले? हाँ तुमने ठीक कहा, चलो बहू मेरे साथ। जो लड़का अपने माँ बाप को दुख दे सकता है वो तुम्हें क्या सुखी करेगा? इनका कोई कसूर नहीं है, सब कसूर मेरा है, सब सब मेरा है।
तू क्यों रो रही बेटी? किस अधिकार से इसे ले जाओगे? अधिकार? किस अधिकार से? इसने इससे शादी की है, लायक भी है, बंदर के गले मोतियों की माला। देखो जी, तुम ये सब नहीं कह सकते। अगर बेटे को माफ नहीं कर सकते तो इसे बहू भी नहीं कह सकते। क्या, इसे मैं बहू भी नहीं कह सकता? बच गया उल्लू का पट्टा। अब देख क्या रहा पटक पटक, चल बोरिया बिस्तर बांध ले। माँ, माँ, मैं जानता था तुम जरूर आओगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मोतियों की माला ने सब कुछ किया है। अच्छा, तो तुम भी मुझे बंदर समझती हो, मगर पहले परख के तो देख लो कि ये मोतियों की माला असली है नकली। हाँ, मोतियों की माला नकली ही सही, बंदर तो असली है ना। वाह वाह, बहुत खूब, तुमने ठीक कहा बहू रानी, ठीक कहा। इसीलिए तो कहता हूं ना कि हम सब मुसाफिर हैं, आज यहाँ कल वहाँ, किसी का कोई कुछ पता नहीं। देखो ना, बेटा तुम्हारा ब्याह में मेरा मतलब है मेरे घर में हुआ। एक तरह से बेटा तुम्हारा भी तो है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ नीलांबर, उसने ये मुझे 15 दिन की पेशगी दी थी, ये उसे मेरी तरफ से भेंट दे देना, मैं दूंगा तो शायद। हाँ भाभी, दावत के रोज मुझे बुलाना भूलिएगा नहीं, वो डट के खाऊंगा, वो डट के खाऊंगा। जरूर भैया, मगर दावत पहले तो आप ही ने दी थी। ऐसा ही होता है भाभी, इंसान सोचता कुछ है और भगवान। रुक क्यों गई शकुंतला? मैं इस मकान को कभी नहीं भूलूंगी, यहाँ मुझे माँ बाप मिल गए। सिर्फ माँ बाप और कोई नहीं? सब कुछ, मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गई, मैं इस मकान को कभी नहीं भूलूंगी। एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया रे, कराए रे एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया रे, कराए रे एक आए। अलबेले अरमानों के तूफान लेकर आए, नादान सौ बरस के सामान लेकर आए। अलबेले अरमानों के तूफान लेकर आए, नादान सौ बरस के सामान लेकर आए। और धूल उड़ाता चला जाए दुनिया रे, एक जाए मुसाफिर दुनिया एक तराए रे एक आए। दिल की जुबान अपनी है, दिल की नजर भी अपनी, दिल की जुबान अपनी है, दिल की नजर भी अपनी। पल भर में अनजाने से पहचान भी हो जाए, पहचान दो घड़ी की बन प्यार मुस्कुराए। दो दिन की जिंदगी रंग लाए, एक आए एक जाए मुसाफिर दुनिया एक तराए रे एक आए, एक जाए मुसाफिर दुनिया एक तराए रे एक आए। Thank you.
ये रहा मेरा मकान। परसों के बाद टूलेट का बोर्ड देखा है ना? जी हाँ। कितना मेल है किराए के मकानों इंसानों में, एक जाता है दूसरा। वाह 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 वाह, 16 आने ठीक कहा आपने माधव बाबू, मेरे मुंह से बात छीन ली। यहाँ सैकड़ों आए और हजारों गए। आइए आइए मकान देखिए। तो पसंद कर लिया आपने मकान? मेरी पसंद नापसंद की बात ही क्या भैया, मैंने तो सब बता दिया आपको। बड़े दुख की बात है माधव बाबू, क्या एकाएक ही चल बसा बड़ा बेटा आपका। क्या बताऊं, वक्त मेरे जाने का था, चल वो दिया। दुख इस बात का भी नहीं, दुख तो है वाली उम्र की बहू का, यही सदमा पसंद नहीं था उसके लिए, वो बस माँ भी बनने वाली है। राम 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 राम। निकलने जा रही थी, कोई एक दुश्वारी हो तो कहूं, उसारे लाख पेंशन है, बड़े लड़के की आमदनी से घर भर का पेट भरता था, अब तो छोटे के हाथ में मुंह जाते पीठ देखते हैं, बस उसी पर आस लगा रखी है, इम्तिहान दिया है, पास होगा, नौकरी करेगा, बहू की गोद भर जाए तो शायद गम भी भूल जाए, यही सोच रहा। जी जी जी, रखिए माधव बाबू, दुख के बादल आते हैं तो छट भी जाते हैं, दिन बदलते देर नहीं लगती भैया। जी रहा हूँ महादेव जी। तो आप लोग शाम ही से आ जाना चाहते हैं ना? जी ये रहा एक महीने का पेश की किराया। इतनी जल्दी क्या थी माधव बाबू, रह लेते दे देते। मैं आदमियों का भूखा नहीं, मेरा मतलब है रुपयों का भूखा नहीं हूँ। ये लीजिए चाबी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। सब सामान आ गया बेटा? हाँ पिताजी। भाभी कहाँ है? अंदर है। देख बेटा, परदेश की बात है, जरा बहू का दिल बहला रखना, और सुन उसे नजरों से उछल ना होने देना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर कुछ कर बैठे। आप फिक्र न कीजिए पिताजी, सामान उतरवा लीजिए। अच्छा भाभी, अंधेरे में क्यों बैठी हो? ये भी अच्छा लगता है। अच्छा है ना, मकान का मकान, मैदान का मैदान, दीवारें भी कम, खिड़कियां भी ज्यादा, थोड़ी बहुत तो रौनक भी है, उल्लू भी बोलते हैं। अच्छा भाभी, अपने उस मकान से तो अच्छा है ना? नहीं, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ भानु, जिसके ईंट पत्थर से भी मेरा संबंध था। ये सब क्यों सोच रही हो भाभी, यहाँ रहोगी तो शायद इसे भी ना भूल सकूं, आखिर इसे भी तो छोड़कर जाना है, और फिर परसों मेरे इम्तिहान का नतीजा भी तो निकलने वाला है, पास हो गया तो नौकरी, और नहीं तो सर पर टोकरी लो टोकरी। तब तक तुम्हारा नतीजा भी तो निकल आएगा भाभी। मेरा नतीजा? हाँ भाभी, मुन्ना आएगा ना मुन्ना। वो सब सामान आ गया क्या? और सोने का क्या बंदोबस्त करोगे? क्यों, मैं यहाँ सोऊंगा और तुम वहाँ, और पिताजी उस कमरे में। लेकिन भाभी, बीच का दरवाजा खुला रखना, मुझे डर लगता है। डर? किसका डर? मैं सब समझ के मानू, तुम मेरी फिक्र न करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, मुझे तो जीना ही पड़ेगा, इस पेट में दुश्मन है ना, उसके लिए। क्या भाभी, तुम रो रही हो? सोच रही हूँ
मैं किस बात के लिए जी रही हूँ जब वही चले गए। जी भाभी, तुम सिर्फ अपना ही दुख देखती हो, मेरी तरफ देखो, बाबा की तरफ देखो। इस बुढ़ापे में ये सब सहना पड़ा जिनको, ऊपर से तुम्हारा दुख, फिर पैसों की तकलीफ। अगर तुम भी हौसला हार दोगी तो फिर क्या बनेगा हमारा? मैं सब समझती हूँ भानु, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता। कभी कभी मैं पागल हो उठती हूँ। चलो भाभी, बहुत रात हो गई, सो जाओ चल के। बाबूजी, कौन है? ये कैसी चाय है? इसमें तो घास की बू आती है। घास की? समझा, आपको उसने गलती से कॉफी भेज दी है। हमारे चाय में कभी घास की बू नहीं आती। तो फिर काय की बू आती है? घास लेक की है? मिट्टी के तेल की, लाइए बदल के लाता। नहीं नहीं नहीं, घास लेट से तो घास की बुई अच्छी है। अच्छा सुनो, ये रात को वायलिन कौन बजाता है? वायलिन है एक पगला बाबू, तो बुलाओ ना उसे, जरा कुछ सुने उससे। बाप रे, आप उसके आगे लाख रुपया ढेर कर दे तो कभी नहीं सुनाएगा। हाँ, जब अपने मन की मौज में होगा तो एक से एक बढ़िया धुन सुनाएगा। अच्छा लो भाभी, चाय पियो। ये कहाँ से आ गए? तुम्हें आम खाने से मतलब की पेड़ गिरने से? लो चाय पियो। भानु, मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं? हाँ? कितनी अच्छी किताब है, शायद पिछले किरायेदार छोड़ गए। हाँ। कितना खूबसूरत बच्चा है ना? अरे ये तो कागजी बच्चा है, तुम्हारा तो असली होगा, इससे भी खूबसूरत। नाम मत लो उसमें। मत गाली दो मेरे भतीजों को। वो इस दुनिया में आएगा, हमें भगवान की बोली सुनाएगा, फिर हम उसे इंसान की बोली समझाएगा, फिर मुझे बुलाएगा ताता, तो मैं कहूंगा आता, फिर वो रोटी को तोती, पानी को नानी कहता हुआ बड़ा हो जाएगा, तब वो हमें आंखें दिखाएगा, अकल की बातें सिखाएगा, तब तक हम लोग बूढ़े ठुट्टू हो चुके होंगे, है ना भाभी? अच्छा अच्छा, तुम्हारे इस मन के लड्डू फोड़ने में चाय ठंडी हो रही है। चुन्नू मुन्नू, मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा। भाभी सुनो तो, क्या कविता मिली है? अभी कविता सुनने का वक्त नहीं, देखो ना कितना काम बाकी है। और ये काम नहीं, तुम समझती कवि लोग मुफ्त की हाँकते हैं। चलो छोड़ो भानु, अभी बहुत काम है। तुम यहाँ बैठो, पहले मेरी कविता सुनो। हाँ, कविता का शीर्षक है मुन्ना। समझ लो, तुम्हारा जो बेटा, मेरा मतलब मेरा जो भतीजा, उसका नाम है मुन्ना और तुम हो उसकी माँ। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे, हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना कुछ भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। एक दिन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा, इन वो माँ से बोला, क्यों फूंकती है चूल्हा, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी तोड़े रोटी आम खा लें, क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़े रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला। अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किस घर में पकी। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, ओ जियो 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 मेरे लाल।
मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा एक दिन यो छुपा मुन्ना ढूंढे न मिला मुन्ना एक दिन यो छुपा मुन्ना ढूंढे न मिला मुन्ना बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे देखा कोना कोना सबसे सांस खींचे बिस्तर के नीचे कुर्सियों के पीछे देखा कोना कोना सबसे सांस खींचे कहाँ गया कैसे गया सबसे परेशान सारा जग ढूंढ थके कहीं मुन्ना न मिला मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला सारा जग ढूंढ थके कहीं मुन्ना न मिला मिला तो प्यार भरी माँ की आंखों में मिला जियो मेरे लाल ओ तुमको लगे मेरी उम्र जियो मेरे लाल मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा मुन्ना बड़ा प्यारा अम्मी का दुलारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा कोई कहे चांद कोई आंख का तारा सांझ मुस्कराए पश्चिम ने रंग उड़ाए मुन्ने को लेके अम्मी दरवाजे पे आ जाए आते होंगे बाबा मुन्ने की मिठाई लाते होंगे बाबा में कै बजे आने कहा था नतिया सुनकर तीन बजे पिताजी लेकिन अब तो चार बज गए आप घबराइए नहीं वो जरूर पास हो जाएगा नहीं बेटी आजकल हमारा समय ही खराब है शायद वो मेरे बुरे भागो फेल चुप बातें कीजिए पिताजी क्या बताऊं बेटी मेरे मन में अजीब सी ठुकर फुकर लगी अब तो जीवन का बोझ अकेले नहीं उठाया जाता तेरे पैरों की खराब तो पास हो जाए कहीं नौकरी लग जाए वो आ गया पिताजी मेरा नाम मुन्ने की माँ है बहन मैं इसी महल में रहती हूँ सामने की चाली में अंदर आइए ना ये दूसरा भी तो खोलो कभी मैं भी दुबली पतली चमेली सी थी तब तो दरवाजा ही खोलना नहीं पड़ता था बैठो ना कल जब तुम लोगों को आते देखा तो मैं मारे खुशी के नाच उठी मैंने मुन्नी से कहा देख मुन्नी चौधरी के यहाँ कितने अच्छा तू चुप रहना हाँ वो जो पिछले किराएदार आए थे ना हाय राम पहले एक औरत मर्द को भगा लाई थी और फिर एक मर्द औरत को खबरदार जो बोली तू माँ मैं तो कुछ भी नहीं बोली फिर भगने लगी हाँ, तुम्हारे वो कहाँ है वो हाय भगवान मैं तो पहले ही जान गई थी मुन्नी तू जा रहे अंदर देख कर तुम तो पांव से भारी लगती हो हाँ बहन कितने दिन का है 7 महीने तो भैया को गए कितने महीने हुए हे भगवान ये दुनिया तो दुख का घर है पर तू इस बच्चे की तो फिक्र ही ना कर मैं तुझे ऐसा टोटका दे दूंगी कि बस माँ माँ यहाँ भरोसा है क्या भरोसा रे माँ यहाँ तो रसोई में चूल्हा भी है चूल्हा भाभी 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 मैं पास हो गया भाभी भाभी मैं पास हो गया आप ये अपनी पड़ोसन है मुन्नी की माँ आप भी तो उम्र में बड़ी मालूम होती है आपको ही प्रणाम
भानु पिताजी मैं पास हो गया। शाबाश बेटा, जीते रहो। बेटा हमारी पहली मंजिल कट गई, अब कहीं तुझे नौकरी मिल जाए तो सब दुख दलिद्र दूर हो जाएंगे। भाभी आज मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलानी पड़ेंगी और वो भी पेट भरकर। बोल क्या खाएगा? अच्छा अच्छा तो पहले बनाओ दाल, उसमें किशमिश डाल और नतीजा निकलने पर सब याद था, सब भूल गया। हाँ, खीर कचौरी हलवा पूरी और दही बड़े। हाँ दही बड़े भाभी, दही बड़े। आपका तो जवाब नहीं भाभी, दो चार दही बड़े इन्हें भी भेज देना। दो चार से क्या होगा, 10-12 भेजना। वाह भाभी वाह, दही बड़े तो फर्स्ट क्लास बने। वाह वाह, दो चार पूरी और 5 से दही बड़े और रख दो। वाह 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 वाह। बाबा, अरे बाप रे, भाभी डॉक्टर कब आएगा? पिताजी लेने गए। खाम खा तुम्हें खुश करने के लिए इतना खा लिया, पेट में तो महाभारत का युद्ध मच रहा है। अगर अच्छा अच्छा खाने से यह हालत होती है तो पेट मल दो। नहीं नहीं, हाथ लगाओगी तो तीसरी जंग शुरू हो जाएगी। मर गया भाभी, अरे डॉक्टर कब तक मरेगा? डॉक्टर साहब मैं मर गया। दुकान दिखाओ और 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 अब आप ही खरीद लीजिए। आज क्या खाया था इसने? जी पाप की खुशी में कुछ पकवान खा लिया था, उसमें गरम मसाला और कुछ घी ज्यादा था। घी कहाँ से लिया था? घी सामने की दुकान से। सत्यानाश, अरे आजकल मिलावट का जमाना है, हर चीज में मिलावट होती है। ये अभी तक जिंदा है, बड़ी हैरानी की बात है जी। अरे ये अभी तक खत्म नहीं हो गया, यही गनीमत है। आजकल तो बचे रहिए मिलावट से। तो डॉक्टर साहब कोई दवा दारू? दवा दारू से क्या फायदा, दवा दारू में भी मिलावट होती है। हाँ थोड़ा तेल गर्म करके इसके पेट में मालिश कर दीजिए, अगर तेल में मिलावट न हुई तो आधे घंटे में इसे आराम हो जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये आपकी फीस, माफ कीजिएगा। तुम कहाँ जा रही हो भाभी? थोड़ा तेल गर्म करना। नहीं नहीं तुम यही बैठो, डॉक्टर साहब ने कहा है ना। नहीं भाभी, मुझे तो ये डॉक्टर भी मिलावटी मालूम पड़ता है। अब कभी घी नहीं खाऊंगा। टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, हर कोई नजर बचा के चला जाए देखो, जाने काहे हमसे कटे सारी दुनिया, जाने काहे हमसे कटे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। गली गली है रूप के रसिया, 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 ढूंढ थके न मिला मन बसिया, ढूंढ थके न मन बतिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, प्यार में सौदा करे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया, टेढ़ी टेढ़ी हमसे फिरे सारी दुनिया। राम बगल में
छुरी है। मुँह में राम बगल में छुरी है, बात ये देखो प्यारे कितनी बुरी है, बात ये देखो प्यारे कितनी बुरी है। क्यों हमसे छल करे सारी दुनिया, तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया, तेरी तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया। सांस का कौन ठिकाना है राजा, सांस का कौन ठिकाना है राजा, सांस का कौन ठिकाना है राजा। कल आए कल चले जाना है राजा, कल आए कल चले जाना है राजा। तेरा मेरा फिर क्यों करे सारी दुनिया, तेरा मेरा फिर क्यों करे सारी दुनिया, तेरी तेरी हमसे फिरे सारी दुनिया। तेरी हम तेरे सारी दुनिया, हर कोई निकल बचा के चला जाए देखो, जाने काहे हमसे कटे सारी दुनिया, तेरी तेरी हम से तेरे सारी दुनिया। ये लो, तुम्हें इस उछल कूद से तकलीफ नहीं होती? उछल कूद नहीं बाबूजी, नाच है नाच। जब बहुत तकलीफ होती है तो। अरे तुम लंगड़े नहीं हो? अरे बाप रे, तो इसमें भी कोई मिलावट है? मिलावट नहीं बाबूजी, बनावट है बनावट। ये मिलावट और बनावट का ही जमाना है। पूरे आदमी से भी किसी को हमदर्दी होती है बाबूजी। जब भगवान लंगड़ा ही ना पैदा करे तो खुद बनना पड़ता। चलो चले बाबूजी। अच्छा भानु, क्या है भाभी? लो नींबू पानी। नींबू पानी? क्यों मजाक करती हो भाभी? भला नींबू पानी पीकर कोई जिंदा रह सकता है? क्यों, कल जो कुछ हुआ भूल गया? नींबू पानी नहीं तो क्या पुलाव खाएगा? अरे पुलाव उलाव कौन गधा मानता है, कल वाले दही बड़े मिल जाए। बेशर्म दही का, फिर सबको नाचने जाना है? इतना बड़ा हो गया फिर भी रहा गधा का गधा। पिताजी आ गए, अब भी कह देती हूँ। चमक करना, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। क्या बात है बाबू? कुछ नहीं पिताजी, भानु नींबू पानी मांग रहा है। तो दे दो ना, नींबू का पानी तो अच्छा होता है ना पिताजी। मैं तो कहता कहता मर गया, नींबू तो हर बीमारी का इलाज है, इससे पेट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर आदमी चाहे पुलाव खाए चाहे दही बड़े, मेरा मतलब है ठीक हो जाने के बाद। दवाई की दवाई और स्वाद का स्वाद। लो बेटी तुम्हारी दवा। पिताजी आप इतनी महंगी दवाई क्यों लाते हैं? नर्थरी औरत साथ उस पे इतना खर्च। ऐसा मत कहो बेटी, क्या हम तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? तुम तो हमारी कुलवधू हो, अब तो सब तुम्ही पर आ लगी है। सुन बेटा, बहू एक तरह से ठीक ही कहती है, वो सब जानती है ना, रोज रोज पानी निकालने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। यूं ही खर्च लगा रहा तो खेच खाच कर सिर्फ दो महीने निकलेंगे, उसके बाद अंधेरा ही अंधेरा है। दवा लेने के लिए भी पैसे ना रहेंगे। अब तो किसी तरह तुझे नौकरी मिल जाए तो बस। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, एक ने एक नौकरी तो मिल ही जाएगी। मैंने अर्जियां दी हैं, दो महीने में क्या एक भी नौकरी नहीं मिलेगी? मेरी बात सच है बेटा, हम दो जो सांस ले रहे हैं इसी उम्मीद पर।
हुआ भानु? भाभी बता तो क्या करूं, पिताजी से कहते हुए शर्म आती है। किस बात की शर्म आ रही है? वह भूल गई, आज मुझे नौकरी के लिए इम्तिहान देने जाना है। तो क्या पिताजी से कहूं कि तेरी जगह इम्तिहान दे आए? मजाक छोड़ो भाभी, बस में जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए क्या? पिताजी से कैसे कहूं, उनकी हालत तो तुम जानती हो। भानु मेरे पास कुछ पैसे हैं। तुम्हारे पास? हाँ, मगर नौकरी मिल जाने पर वापस करने होंगे। हाँ भाभी, सूद के साथ सूद दर सूद, लेकिन तुम्हारे पास ही पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे भैया और मैंने जमा किए थे, बड़ा शौक था उन्हें, जब मुन्ना आएगा तो उसे लाल रंग का गर्म सूट बनवा देंगे। भैया का वो शौक जरूर पूरा होगा भाभी, मुझे यकीन है मैं इस इम्तिहान में पास हो जाऊंगा और दो महीने के अंदर अंदर मेरी नौकरी जरूर लग जाएगी। इसी उम्मीद पर तो हम लोग जी रहे हैं भानु। लो। अच्छा भाभी, पिताजी को भी प्रणाम करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने जानता था दुनिया इतनी बेरहम है, दो महीने हो गए और एक भी नौकरी ना मिल सकी। पैसे कमाना तो एक तरफ, उल्टा तुमसे ले लेकर खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, वो जो नौकरी के लिए इम्तिहान दिया था उसका क्या हुआ? उसका कुछ होना होता तब तक होना जाता, चिट्ठी ना आ जाती कोई। कल ही तो ज्वाइन करने का दिन है, कल की बात छोड़ो, आज का क्या होगा? इंटरव्यू में जाने के लिए बस का किराया तो चाहिए, पिताजी से मांगू भी तो किस मुंह से? मैं मांगती हूँ पिताजी से। नहीं भाभी, तुम क्यों मांगोगी, मैं खुद चला जाता हूँ। मैं तो कहता हूँ एक तरफ का भी किराया मिल जाए तो वापसी पर मैं पैदल चलाऊंगा। आज चांद फैक्ट्री वालों ने मुझे काम के लिए बुलाया है, लेकिन 10 बजे से पहले ही पहुंचना है। तो जाओ ना, देर हो रही है, मिले चाहे ना मिले, बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए। लेकिन लेकिन मैं कह रहा था। क्या कह रहे थे? तुमने तो कुछ नहीं कहा। बात यह है, बस में जाने के लिए। ओ, तो आज तक जो घूमते रहे पैसे कहां से आते थे? भाभी ने दिए थे। बहू? बहू के पास कहां से आए? उन्होंने कुछ जमा किया। सो तुमने खर्च कर दिया। वाह, उसे देने के बजाय उसे लेते हुए शर्म आई तुम? डूब न मरे तुम? नौकरी मिल जाने पर वापस कर दूंगा बाबा। नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगे। ये लो, आज नौकरी मिल जाए। अच्छा अच्छा, जाओ, देर हो रही है। निकम्मा कहीं का। भानु, पिताजी की बात का बुरा ना मानना। बुरा क्यों मानूंगा, पिताजी की हालत क्या मुझसे छिपी है? अच्छा ठहरो, तुमने तो कुछ खाया भी नहीं। कोई बात नहीं, एक दिन न खाने से आदमी मर नहीं जाता। देखो मेरा दिल कहता है वो इम्तिहान वाली नौकरी जरूर मिल जाएगी। नहीं भाभी, उसका कुछ भरोसा नहीं, कहा था ना आज ही तो उसका आखिरी दिन है। तो क्या हुआ, आज भी तो चिट्ठी आ सकती है। आ सकती है मगर आएगी नहीं, तुम उस चिट्ठी की बात भूल जाओ, आऊंगा तो शायद कोई अच्छी सी खबर लेकर। नहीं हो सकता। हाँ लिखिए तो पिताजी। हाँ, तीन कमीज, इसकी जेब देख लेना, दो धोती,
दो धोती, एक पतलून और तीन रुमाल। जेब में टिकट नहीं करा सरकार, देखो तो। सिनेमा का टिकट। कुछ हुआ खानू? नहीं। कोई उम्मीद भी नहीं? नहीं। कोई चिट्ठी? नहीं 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 भानू, मुझे माफ कर दो भाभी, ऐसा मालूम होता है जैसे मैं बिल्कुल बेकार हूँ, निकम्मा हूँ। मैं इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकूंगा, कुछ नहीं कर सकूंगा। तुम लोगों के लिए बोझ था, बोझ हूँ और बोझ ही रहूंगा। ऐसी बातें मत करो भानू, चलो अंदर। हाथ में दोनों, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। आज कौन सा खेल देखकर आया है अपना बागा? हाँ हाँ, खेल, सिनेमा, कौन से हीरोइन की तस्वीर देखकर आया है नंदलाल? समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हैं। समझ में तो खूब आता है, ये कौन शर्म नहीं आती। घर में बूढ़ा बाप विधवा भाभी को नित्य छांसे देकर सिनेमा देखते कुछ छल्ले उड़ाते हो, तुम इंसान है जानवर? लेकिन बाबा वो तो मेरे दोस्त ने। हो, अब झूठ ही बोलने लगे। मैं भगवान के। चुप मत, भगवान का नाम ले जबान से, इससे तो डूब मर। कुछ शर्म है तो कुछ खा के मर जा। डॉक्टर ने ठीक ही कहा था, ये मिलावट का जमाना है, हर चीज में मिलावट है, इंसान में मिलावट, नहीं तो एक मामूली सी नौकरी के लिए। कोशिश तो की पिताजी, अब अगर नौकरी न मिले तो मेरा क्या कसूर? कसूर? तेरा पैदा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। क्या तू मर के भी इस कसूर को दूर कर सकता है? नहीं, तुझमें मरने की हिम्मत कहाँ? इसलिए कि तू इंसान नहीं, मिलावट है, मिला। पिताजी मुझे आप इस तरह गाली मत दीजिए। क्या कहा? पाजी बेमान, निकल जाए यहाँ से, दूर जाए मेरी नजरों से। आज से तू मेरी औलाद नहीं। पिताजी, मैं समझूंगा मेरा एक बेटा नहीं, मेरे दो बेटे मर गए। भालू, 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 वो तो सच में चला गया पिताजी, उसे रोकिए पिताजी, उसे रोकिए। अरे जाने दे खट्टू को, जाएगा कहाँ? जग मार के नहीं आएगा। वाकई जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरी प्रार्थना है तो यही कि अगले जन्म में भी आपका बेटा बनूं और आपकी और भाभी की सेवा कर सकूं। अभागा भानू, thank you.
श्रीराम। तार है, चार नंबर। किसका तार है बहू? बहू किसका तार है? पिताजी, पिताजी, भाभी को नौकरी मिल गई। नौकरी? हाँ, और आज ही उसे काम से जाना है। अरे मेरा चश्मा दे बेटी, मेरा चश्मा दे। भगवान, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने इस बूढ़े की लाज रखी। बहू क्या हुआ बहू? अरे तू मुर्गी तो नहीं है? भालू, ये तूने क्या किया भालू? ये तूने क्या किया भालू? भालू तूने क्या किया? भालू तूने मेरे दुख को लगाना भालू। भालू तूने मेरे दुख को लगाना भालू। भालू तू बाबा तुम रो क्यों रहे हो? तू आत्महत्या। आत्महत्या? मुझसे मजाक कर रहा था बाबा, मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था। बाबा सुनिए तो। सुनने की क्या बात है? तुम्हें डराना चाहता, धमकाना चाहता, क्या चाहता? लेकिन मुझे कहने तो दीजिए, मैंने जहर पिया है। जहर पिया? हाँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जहर में भी मिलावट है। फिर वही मजाक भानू, फिर वही मजाक। इसे कुछ कहिए भानू, आज मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाती हूँ। वो जो इम्तिहान वाली नौकरी थी ना, वो मिल गई। हाँ, टेलीग्राम आया है। भाभी कहीं इसमें भी मिलावट तो नहीं है? नहीं नहीं भानु, आज ही तुम्हें जाना है। बाबा मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई बाबा, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई बाबा, मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, नौकरी मिल गई। क्या हुआ? क्या हुआ बहू? बेटा बहू के पास रहो, मैं डॉक्टर लेके आता हूँ, तुम ले जाओ। भाभी आए एक जाए मुसाफिर दुनिया ये कराए रे एक आए एक जाए। आपने ठीक ही कहा था चौधरी जी, सुख के बादल आते हैं छत जाते हैं, दिन बदलते देर नहीं लगती। हाँ हाँ, क्या कुछ नहीं देखा इन 25 वर्षों में। एक मुसाफिर गया और दूसरा अभी नहीं आया। हमारा घर छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता, लेकिन अब बहू की गोद खड़ी हो, भानु की भी दूसरी जगह नौकरी लग गई। हाँ हाँ माधव बाबू, ये सब भगवान की। एक जाए मुसाफिर दुनिया एक तराए रे एक आए, एक जाए मुसाफिर दुनिया एक तराए रे एक आए। क्या हुआ भाभी, रुक क्यों गए? इस मकान को मैं कभी नहीं भूलूंगी। जहाँ जा रहे हैं शायद उसे भी ना भूल सको। पर भानु, यहाँ तो मुझे तुम्हारे भैया मिल गए, इस मुन्ने के रूप में, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। हर सुबह रात को भूल जाए एक आए, एक जाए मुसाफिर दुनिया एक तराए। देखिए साहब, ये रहा मेरा मकान, सारी दुनिया में ऐसा मकान नहीं मिलेगा। यही ना अजी साहब, मैं भी वकील हूँ, बातें बनाना ही मेरा काम है। आप मुझे सिर्फ ये बताइए इस मकान का किराया क्या है। वाह वकील साहब, मुकदमा सुना नहीं है और फैसला मांग रहे हैं, पहले मकान तो देख लीजिए। चलिए चलिए। यहाँ हजारों ही आए और लाखों ही गए, इसीलिए शायद सफाई नहीं रह सकती। ये आपने क्या बात करी वकील साहब, आप खुद ही बताइए, जहाँ इंसान रहते हो वहाँ सफाई भी रह सकती है।
आप एक ही महीने के लिए चाहते हैं ना? हाँ, फिलहाल तो एक ही महीने के लिए चाहिए, और ज्यादा तो फिर डॉक्टर की रिपोर्ट आने पर ही कहा जा सकता है। अगर उसने कुछ भी तसल्ली दी तो फिर इलाज कराने के लिए कुछ एक रोज और लीजिए, एक महीने का पेश की। रह लेते दे देते भाई, इतनी जल्दी क्या थी? जल्दी है ना, लेन देन ठीक हो गया, भाई भाई भी बन गए। आदमी समझदार है आप, और क्यों ना हो, अंग्रेजी कोर्ट के घाघ वकील। क्या है बेटा? माँ ये पहलवान गिर गया, उठा दो ना माँ। है, ये लो। अरे देखो माँ, पहलवान गिरता ही नहीं, गिरता है तो उड़ता ही नहीं, बिल्कुल मेरे जैसा, दर्द होता ही नहीं, होता है तो जाता ही नहीं। चला जाएगा बेटा, ये देखो कितनी अच्छी किताब है, और बच्चा भी कितना सुंदर है, बिल्कुल तेरे जैसा। ये तो चल सकता है, मैं कौन चल सकता हूँ? तू भी चल सकेगा, अब बड़े डॉक्टर को दिखाया है ना? मम्मा, ये ले, डॉक्टर ने ये दवा दी है। भैया डॉक्टर ने क्या कहा? भाई डॉक्टर इतनी जल्दी क्या कह सकता है, डॉक्टर मेरा दोस्त है, दो एक रोज में रिपोर्ट दिल्ली पर भेज देगा, तू चिंता क्यों करती है? कल मुझे एक जरूरी केस के सिलसिले में अहमदाबाद जाना है, तुम्हारे खाने पीने का सारा बंदोबस्त मैंने उस सामने वाले होटल में कर दिया है। मामा वो क्या है? वो जो पत्ते के सामने यूं घूम रहा है। अरे वो पतंगे हैं, पतंगे। पतंगे बत्ती के सामने क्यों आते हैं? लो बोलो, पतंगे बत्ती के सामने क्यों आते हैं? अरे वो वहाँ मरने आते हैं, मरने। मरने क्यों आते हैं? फिर वही बात, अरे भाई जब उनकी मरण दशा होती है तो वहाँ आ जाते हैं। मरण दशा क्या होती है? बको मत, मरण दशा वो होती है जो तुम्हें साथ लाके मेरी और तुम्हारी माँ की हुई। भैया, भैया क्या, सिर खा गया है मेरा तो, इतनी जरा तो हम वकील लोग भी नहीं करते, बिस्तर लगा दो, मैं तो सो जाऊं, सवेरे ही जाना है। माँ मैं इधर नहीं रहूंगा। तो फिर तो किधर रहेगा? उधर उस कमरे में, इधर तो कुछ दिखता ही नहीं। अच्छा, तो पहले दवाई पी ले। ये दवाई बड़ी थूथू है। नहीं राजा बेटा, आज की दवाई बहुत मीठी है, चलो आंखें मुंह के पी ले जल्दी। अच्छी है ना? माँ आज की दवाई बड़ी मीठी है। मीठी है ना? अब मेरा राजा बेटा दवाई पिएगा, अच्छा होगा, बड़ा होगा, काम करेगा, मेरा दुख दूर करेगा, है ना? माँ जब मैं अच्छा होऊंगा तब तो तुम नहीं रोगे ना? नहीं बेटा, तब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। राजा के टांगे कभी अच्छी नहीं होंगी। अभी कहा तो नहीं ना, तूने पहले ही रोना शुरू कर दिया। रो नहीं तो क्या करो, मैं भी क्या भाग लेकर आई हूँ, सब कुछ खोकर एक बेटा पाया था, ले देकर वही एक सहारा था। तू घबरा मत बहन, भगवान सब अच्छा करेंगे। हाँ भैया, अब तो उसी का सहारा है, अगर उसे भी मेरे बेटे का चलना मंजूर न हुआ तो फिर भुगत लेंगे, अभी तो चल के सो तू, चल। तुम जाओ भैया, कुछ देर के लिए मुझे अकेले छोड़ दो।
अच्छा हो ना, तो मैं चलता हूँ। भैया, डॉक्टर की रिपोर्ट आ जाने तक रुक जाओ तो क्या बहुत नुकसान होगा? नुकसान? अरे जिसका केस है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा गर्क क्या होता है मामा? लो बताओ। अरे ताऊ, दुनिया में एक का बेड़ा गर्क होता है तभी ना दूसरे का फायदा होता है। अगर आदमी आपस में झगड़ा ना करें तो फिर हम वकीलों का पेट कैसे भरे? आदमी और झगड़ा क्यों करते हैं? चुप रहिए दादाजी, अगर तुम वकील होते तो जज बेचारा कुर्सी छोड़ के भाग जाता। भगवान के लिए मुझे आराम से जाने दो, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये ना पूछ बैठना कि आराम क्या होता है। उमा, ये लो कुछ रुपए हैं, ये रख लो, डॉक्टर की रिपोर्ट आने तक मैं भी आ जाऊंगा, बल्कि कोशिश तो मेरी ये होगी कि मैं बहुत जल्दी लौटूं। हैं आप देखो, यहाँ से अच्छा दिखाई देता है ना? हाँ माँ, सब वो देखो, दुकान, गाड़ी, मोटर, आदमी, वो देखो। माँ जी, वकील साहब दूध के लिए बोल के गए थे, दूध और चाय। अच्छा, छोटे बाबू, एलो लाली पाप। तुम कौन हो? मैं उधर होटल में काम करता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? चोटी, मोहन चोटी। चोटी चोटी। और चोटी, हम दोनों बात करेंगे। बाप रे, इधर बात करेगा तो उधर मालिक लात मारेगा। मारेगा? तुम्हारा मालिक बुरा आदमी है? मालिक सभी बुरे होते हैं छोटे बाबू। तुम्हारा होटल भी बुरा है, क्या दिन रात गाना बजाता है बुरे बुरे। अच्छा, तो तुम्हें एक दिन अच्छी चीज सुनाऊंगा। कौन सी चीज? वायलिन। वायलिन? वायलिन नहीं जानते? ओ वायलिन। वो तुम्हें जरूर सुनूंगा, वो तुम्हें जरूर सुनूंगा। अरे हाँ, वो रात को वायलिन कौन बजाता है? है एक पगला बाबू। पगला बाबू? हाँ माँ, छोटी उसको ले आएगा। अच्छा? हाँ माँ जी, ऐसे तो करोड़ रुपया उसके सामने रख दो तो नहीं आएगा। हाँ, मैं कहूँ कि छोटे बाबू बीमार है, चल नहीं सकते, तो शायद आए। अच्छा छोटे बाबू, मैं जरूर कहूँगा पगले बाबू। अच्छा अच्छा, चलो दूध पी लो। चाहे माँ, वो खिड़की खोल दो ना। हाँ हाँ, खोल देती हूँ, दूध पी लो। चंद्र बेबी, भाई सुरेश, बड़ी जांच पड़ताल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि राजा को दवा से कुछ फायदा नहीं होगा। अब तो ईश्वर का ही आसरा है। और जाने तुम्हारा डॉक्टर भंडारी। तुम रो क्यों रही हो माँ? दवाई नहीं दोगी? नहीं। क्यों? खत्म हो गई। खत्म हो गई? चलो अच्छा ही हुआ, बड़ी कड़वी थी। क्या फायदा पीने से? अब तो मैं अच्छा ही नहीं हूँगा। कौन कहता है? किसने कहा तो अच्छा नहीं होगा? डॉक्टर ने। कब कहा था डॉक्टर तुझे कहने? नहीं, डॉक्टर नहीं आया था। तुम उस दिन चिट्ठी पढ़ के रो रही थी ना। माँ, पगले बाबू आ गए, बुलाओ ना उसे। माँ, माँ
सुनिए, मेरा बच्चा बीमार है, आप उसे मिल लेंगे जरा? का गीत बजाऊंगा। भौरा क्या होता है? देखो बेटा, जैसे फूल होता है ना, फूल वैसे ही एक भौरा भी होता है। फूल होता है बड़ा सुंदर, बड़ा उजियाला, और भौरा होता है तन से काला, मन से काला, हरदम बस रस का मत वाला, और इसीलिए हर वक्त फूल के गिर्द घूमता रहता है। और तुम्हें मालूम है क्या करता है? और फिर वो भंवरा जाके किसी फूल पे बैठ जाता है और रस लेने में इतना मगन हो जाता है कि अपना आप सभी कुछ भुला बैठता है, और फिर काली कलोटी रात आ जाती है। आहिस्ता 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 और फूल हो जाता है बंद, और भंवरा जो है
अच्छा बेटा हम चलते हैं। हा? कहाँ? मालूम नहीं। तुम्हारा घर नहीं है? हमारा घर चल गया। अच्छे चाचा, अच्छे चाचा, माँ इनका घर जल गया, माँ इन्हें अपने पास रख दो, माँ इनको बुला लो, माँ माँ राजा माँ। कहीं चोट तो नहीं है? क्या हुआ? पकड़ लिया। अब नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं जाने दूंगा। तुम चल सकते हो, इसलिए तो छोड़ के गए ना। होटल का लड़का है ना, उसने मुझे बताया कि यहाँ एक बच्चा है जो चल नहीं सकता। मुझे क्या मालूम था कि वो तुम्हारा ही बेटा होगा। पिछले 7 साल से मैं यही कोशिश करता रहा कि तुम्हारा रास्ता कभी न काटूं, तुमसे इतनी दूर चला जाऊं कि मेरी धूल भी तुम तक न पहुंच सके। कई बार मेरे मन में आई एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हें देख लूं, लेकिन मैंने हमेशा इस उभरती हुई तमन्ना का गला घोंट दिया और वो मेरे मन के किसी कोने में पड़ी सी सकती रही। मगर आज किस्मत ने बेरहम हंसी हंस दी और मैंने भी जो सर उठाकर देखा तो सामने तुम खड़ी थी, और भी कोई नहीं, तुम। राजा मुझे माफ कर देना। सुनो, कल जो बाबू आए थे उनके बारे में तुम कुछ जानते हो? कल? ओ, आपका मतलब पगला बाबू? हाँ। कहाँ रहते हैं? पगले आदमी का भी कोई ठिकाना होता है माजी, कभी तो फुटपाथ पे पड़ जाता है, कभी किसी पेड़ के नीचे। एक दिन तो रेल के पटली पे सो गया था, वो तो किस्मत ठीक थी, गाड़ी लेट हो गई। खाते कहाँ से है, करते क्या है? करेगा क्या माजी, बस भजन गाता है, वो भी अपने मन में आए तो, और जब कभी किसी के मन में आए तो 4 पैसे दे देता है, और जब कुछ होता ही नहीं तो मैं मालिक की चोरी से कुछ ला के दे देता हूँ। तुम कुछ भी कहो माजी, आदमी बहुत अच्छा है पगला बाबू, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा पगला बाबू। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माजी, कोई अच्छा आदमी वाला ज्यादा दिन जिंदा रह सकता है? कभी कभी तो उसे इतना दर्द होता है कि मछली की तरह तड़पने लगता है, और फिर इतनी पीता है कि बेहोश हो जाता है। एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया तो उसने देखते ही कहा इसके थोड़े ही दिन रह गए, जल्दी उड़नचू हो जाए। पगला बाबू कुछ है माजी, जब हंसता है तो दुनिया देखती है, और जब रोता है तो कोई नहीं, मैंने देखा है माजी। अरे तुम रो रही हो माजी? नहीं, अब तो जा। पगला बाबू, डॉक्टर ने गलत ही कहा था कि तुम उड़नचू हो जाओगे, तुम तो नहीं मरोगे 100 वर्ष तक, अभी तुम्हारी बात चल रही थी। मैं वो वायलिन लेने आया था, राजा अंदर है ना? सुनो। हाँ? क्या ये सच है, तुम्हारे रहने की कोई जगह नहीं, तुम सड़क के किनारे ही सो जाते? वो उस पाजी लड़के ने सब उल्टी सीधी बातें की होंगी। क्या ये सच है, तुम हमेशा बीमार रहते हो और डॉक्टर ने कहा है कि तुम? जाऊंगा, यही ना। जो आदमी के मर के ही जी सके, ये दुख भरे दिन, ये दर्द भरी रातें, इनसे गले मिल मिल के रोना और फिर विदा होकर आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए
माँ की ठंडी मीठी गोद में चुपके से उतर जाना कई मौत है। मत करो ऐसी बातें। मेरी एक बात मानोगे? क्या? तुम यहाँ रहो इस घर में। ये कैसे हो सकता? हो क्यों नहीं सकता? हर तुम का जवाब थोड़ा ही होता। यूं कहो तुम जवाब देना नहीं चाहते। मुझे एक बात, तुम बिल्कुल वही उमा हो जो आज से 7 साल पहले थी। अभी कल ही की बात है तुमने मुझसे दरवाजे बंद कर दिए और आज कुछ भी हो तुम्हें यही रहना पड़ेगा। नहीं। देखते हो तुम कैसे चले जाते हो। ये जीवन कोई खेल है, जब जी चाह चले आए जब जी चाह चले गए। जैसे मेरा दिल तो कोई दिल ही नहीं, जैसे वो कोई खिलौना है। दिन में इधर फेंका उधर फेंका और शाम को उसे किसी कोने में डालकर सो गए। तुम नहीं जानती हो ना? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जाना है तो जाओ मगर मेरी एक बात सुन। तुम्हारे कारण जो दुख मैंने सहे, जो जो तुमने मुझे रुलाया है तुम्हें जानते हो। मगर मैं हमेशा ईश्वर से तुम्हारे लिए भलाई मांगती रही। प्रभु अगर अभी दुखी देते रहोगे और मेरी बात को यूं ही ठोकर मार कर चले जाओगे तो भगवान ऊपर है मैं कहती हूँ मेरी हार लगेगी तुम्हें। मैं सुख में तेरा साथी न बना, दुख में भी न हो पाया। अगर मेरे यहाँ रहने से तेरा इतना सा दुख भी कम होता है तो मेरे लिए बहुत है। स्टेशन आ रहे हो। डंग 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 डंग। हाँ बेटा वो देखो वो देख राजा वो फूल खिलता है और वो देखो वो बादल मिलता है। वो देखो 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 वो राजा बेटा कल हम लोग खूब पतंग उड़ाएंगे। पतंग? वो बेटा वो पतंग होती है ना जो धागे से बांधते हैं कागज की बनी होती है वो। हाँ। हाँ। अच्छा एक बात को अच्छी चाचा क्या बात? वो जो तुमने भोरे का गीत पहले सुनाया था ना उस दिन हाँ। और फिर तुमने पतंगे का गीत सुना सकते हो। पतंगे हाँ? पतंगे क्या होता हमको नहीं पता। पतंगे पतंगे हमको नहीं पता पतंगा क्या होता। क्या होता पतंग? अरे बाबा तुम इतने बड़े हो गए पतंगे भी नहीं मालूम। पर अब क्या होता है वो क्या करता है पतंगा हमको बताओ तो सही ना। जो फिर वो क्या रोशनी पे आता है। रोशनी पे आता है। रोशनी पे क्यों आता? मरने के लिए। मरने के लिए क्यों आता? मरने के लिए क्यों आता? अरे भाई उनकी जब मरण दशा होती है तब आ जाते। मरण दशा पता भी है तुमको या ऐसे ही? हाँ करे बता मरण दशा क्या होती है। मरण दशा वो होती है जो मुझे यहाँ लाके माँ की और मामा की हुई है। राजा किसने कहा तुम्हें पतंगे रोशनी पे मरने के लिए आते हैं? मामा ने कहा। गलत काम। पतंगे तो रोशनी पर जी उठने के लिए आते हैं। रोशनी जीवन है बेटा। देखो ना चूंटी होती है ना छोटी सी चूंटी वो धरती पे रेंगने वाला है कीड़ा है उसके जब पर निकल आते हैं तो लोग कहते हैं कि उसकी मरण दशा आ गई। लेकिन पर तो इसलिए निकल आते हैं कि उसे रोशनी के पास पहुंचा दें। रोशनी के पास पहुंच के फिर उसका जीवन पूरा हो जाता है। मेरा भी दिल करता है रोशनी के पास जाने के लिए मगर मैं तो चल नहीं सकता। तुम चल सकोगे बेटा। चल सकूंगा? हाँ तुम जरूर चल सकोगे। देश देश घूमोगे नई नई जगह देखोगे। बहुत मजा आएगा। अच्छा हाँ? अच्छा चाचा तुम भी चलोगे ना? कौन मैं? हुँ? मैं बहुत पहले चला जाऊंगा बेटा। कहाँ? बहुत दूर रोशनी के पास। Thank you.
जो धुन बीच रास्ते ही खो गई उसे फिर छेड़ देने से क्या फायदा। फिर भी याद तो कभी कभी आ ही जाती है ना। क्या जरूरत है याद करने की। तूने अपने बेटे का नाम राजा क्यों रखा? इसकी भी क्या जरूरत थी? क्या है ये तेरा? देखो अब इसे भी संभाल के रखने की क्या जरूरत थी। अब बैठ बैठ बैठो ना। ये वही है ना जो उस दिन मैंने तेरे घर की छत पे ली थी, याद है? मैं उस दिन देर से आया था और तूने जल्दी जल्दी कपड़े बदल लिए थे, फिर मैंने डूबते सूरज के सामने तेरी ये तस्वीर ली थी। क्या दिन थे, कसक बन के समा गए सीने। मुझे तो सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूला सच। और ये वो है जब वो हम सब झील पे घूमने गए थे, उस दिन एक छोटी सी बात पे तू मुझसे लड़ ली थी। दिन भर मैं तेरे पीछे पीछे घूमता रहा, तुझे मनाता रहा। मैं मान के और तुम रुक गए थे। वो तो ऐसे ही ऊपर ऊपर से कुछ को चिढ़ाने के लिए। अरे हाँ, उसी दिन शाम को जब हम लौट रहे थे कश्ती में, उसी दिन तो ना तूने एक गाना गाया था। कौन सा गाना था वो? अच्छे से बोल थे उसके। क्यों, तुम्हें तो सब कुछ याद है ना? याद तो है, मेरे मन में ही घूम रहा। ठहर, हाँ याद आ गया। Yeah.
झिम 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 बुनिया बरसे छिड़ी प्यार की बातें ना। क्या तुमने उस चिट्ठी में सच लिखा था तुम उसे प्यार नहीं करते? चुप क्यों? जवाब दो, क्या ये ठीक ही था? जो तुम उसे शादी कर लेते तो बहुत बड़ी गलती होती। हाँ, बहुत बड़ी गलती होती। छोटा वाला? हाँ, क्या? कल मैंने एक सपना देखा। सपना देखा? क्या सपना देखा? वो पेड़ के पीछे एक बड़ा सा लाल लाल फूल है। उस पेड़ के पीछे? फिर? और वो पेड़ हिल रहा ऐसे ऐसे? हिल रहा नहीं, हिल रहा। हिल रहा, अच्छा अच्छा, फिर क्या होता बेटा? और वो साथ ही साथ बड़ा सा सुंदर गीत सुनाई दे रहा है। इतना अच्छा सपना देखा राजा बेटे ने। अच्छा है ना? अच्छा, क्या क्या? बहुत अच्छा है राजा बेटे। तुमको मालूम है ये सपने कौन भेजता? कौन भेजता? तुमको नहीं मालूम? देखो वो पेड़ है ना, वो बड़ा वाला पेड़ है, उसके पीछे वो सफेद बादल है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। उस सफेद बादल के पीछे एक बुड्ढा डुड्डू रहता है। बुड्ढा डुड्डू? वो बुड्ढा डुड्डू बड़ा अच्छा आदमी बेटे, उससे तो तुम जो भी मांगोगे तुमको दे देगा। मैं तो चलना चाहता हूँ। तो तुम चलोगे बेटा? मैं चलूँगा। हाँ? कब? जब उस पेड़ के ऊपर वो लाल लाल फूल खिलेगा ना, और फिर उस बादलों के पीछे से वो सूरज सोने के रथ में बैठ के आएगा, और उसके हाथ में किरणों का चाबुक होगा, और फिर वही चाबुक से लेकर वो घोड़े को थे से मारेगा, और थे से चाटा, और थे से चाबुक, और इधर चाटा उधर चाबुक, इधर चाटा उधर चाबुक, और घोड़े भागेंगे। अच्छी चाचा,
माँ अच्छे चाचा नहीं आए? अभी नहीं आए। इतनी देर क्यों कर दी? मालूम नहीं बेटा। माँ अच्छे चाचा बहुत अच्छे हैं ना? उन्होंने कहा था मैं चल सकूंगा, जब मैं चल सकूंगा तब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। तो फिर मेरा क्या होगा? तुमको भी साथ ले चलूंगा। माँ अच्छे चाचा आ गए। अच्छे चाचा भैया इतने दिन लगा दिए? काम था, देर हो गई। काम क्या होता है मामा? ये लो, आते ही गिर्ध हो गया। अरे भाई थका मांदा आया हूँ, जरा दम तो लेने दे। डॉक्टर की रिपोर्ट आई? हाँ। क्या लिखा है? डॉक्टर ने कोई तसल्ली नहीं दी। ओ तो कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की? तुम अच्छे चाचा से भी ज्यादा जानते हो। अच्छे चाचा कौन है वो? अच्छे चाचा, अच्छे चाचा। अरे आखिर वो है कौन? अब तो तुम ही पूछते जा रहे हो, जब मैं पूछता हूँ तो तुम डांटते हो। बंद करिए बकवास, कौन है वो? राजा। राजा? कौन राजा? तेरा वो, मेरा मतलब है हमारा। कुछ दिन हो गए यहाँ आए। वो बदमाश पाजी कमीना, मैंने तो सुना था वो कहीं जाकर मर खप गया। जो तेरे साथ शादी का वादा करके चला गया उसे तूने घर में घुसने दिया, जिसकी खातिर तुझे इतना बड़ा कलंक उठाना पड़ा। हाँ? कोई नहीं भैया। बात भी मत करो, क्या सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही दुख देते रहोगे? अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? रात में बाहर तूफान मच रहा है। बाहर का तूफान और अंदर का तूफान शायद एक हो जाना चाहते हैं। आंसू नहीं बहाया करते उमा, आंसू नहीं बहाया करते। ऐसे महामिलन के समय यूं ही अंधकार होता है, यूं ही बादल गरजते हैं, यहीं बिजलियां कौन कौन पड़ती हैं, और जीवन के पथ पर एक थके हारे मुसाफिर पर इसी तरह टूट टूट पड़ती है।
अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कल सुबह की गाड़ी से चले जाएंगे। मैं मकान मालिक से निपट के और टिकट वगैरह का बंदोबस्त करके लौटता हूँ। इन कामों में शायद मुझे रात हो जाए, तब तक तुम सामान वगैरह बांध रखो। माँ, हम चले जाएंगे। हाँ बेटा। अच्छी चाचा को भी साथ ले जाएंगे? नहीं नहीं क्यों माँ, उन्हें भी साथ ले चलो ना। कहाँ है वो? सत्य है हरि नाम, सत्य है राम नाम, 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 सत्य है। मोहन, मोहन कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। तुम झूठ कह रहे हो, तुम सब कुछ जानते हो। मैं नहीं जानता माँ जी, मैं नहीं जानता। मोहन, तुमने मुझे माँ कह के पुकारा है, मैं तुझे माँ की सौगंध देती हूँ। माँ जी, उसने मुझे मना किया, वहाँ खाली जमीन पर होटल के पीछे लौट रहा, बुरी हालत है, कोई गरीब पर ही तो मैं माँ जी, उसका कुछ करो माँ जी, इतनी बड़ी दुनिया है मगर उसका कुछ करो माँ जी। मोहन, मुझे उनके पास ले जाओ। आराम ही करने दीजिए। कितना दुख पहुंचाया है मैंने तुझे, जीवन भर रूमों मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। सुना, मुझे तुझसे बहुत कुछ कहना, सुन ले फिर वक्त मिले न मिले। तुम फिर उसे इधर ले आई? वो बीमार है भैया, कोई दमी का मेहमान है, भूल जाओ कि वो राजा है, एक इंसान के नाते से। कान खोलकर सुन लो उमा, अगर आज की रात वो यहाँ रह गया तो समझ लो कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, ना तुम मेरी बहन और ना मैं तुम्हारा भाई। मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा, उसके बाद जो जी में आए करना।
उमा, मैंने जो कुछ भी किया सदा तुम्हारी भलाई ही के लिए किया। बहन, मैंने अपना घर भी नहीं बसाया सिर्फ इसलिए कि तुम हमेशा खुश रह सको। तुम उस बदमाश को भूल जाओ, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ सिर्फ खेलता ही रहा है। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो सिर्फ यही कि आखिरी वक्त यहां से चला गया। उसे भूल जा मेरी बहन। मैंने रात वो बात सुन ली, मैं जा रहा हूं। मैंने जो बात शुरू की थी सुमन ही में रह गई। शादी से दो दिन पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था मुझे एक जानलेवा बीमारी है और इसीलिए मैं उस चिट्ठी को लिख के रख गया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने चाहा कि तुम मुझे भूल जाओ, नफरत करने लगो मुझसे। तुमने नफरत की भी उमा, पर मुझे भूल नहीं पाई। भूल मैं भी नहीं पाया। अब मैं तुम्हारी याद को साथ लिए जा रहा हूं। उमा, मुझे माफ कर दे बहन। तुम्हारा क्या दोष मेरी किस्मत। चलो भैया, यहां से चले चले। राजा बेटा उठो। माँ सुबह हो गई। हाँ बेटा। अच्छी चाचा का है माँ, कल मैंने वही सपना देखा, बड़ा बड़ा लाल लाल फूल और वही सोने का रथ। उन्होंने कहा था जब मैं फिर ऐसे ही सपना देखूंगा तब मैं चलने लगूंगा। तब मैं चलने लगूंगा। देखो मैं चल रहा हूँ और वो देखो फूल। राजा